अल्लाम शराब रसू से मैं हूँ अब्दुल्कम सिद्दीकी और आप हैं ए क्यू एस के साथ और मेरे साथ हैं आज जनाब मतिल्ला जान और नासिर इकबाल आज हम बात करेंगे कि फैसल वाउडा बिलखिर आज सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं और फैसल वाउडा जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाहल करार दिया था और फिर उन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखाता नाहली का मामला है और अब बजाय इसके कि इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल करते वो, वो उन्होंने रुख अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जो फैसला है इसमें जो आइनी आए, कानूनी नुकात उठाए गए हैं जिसके बुनियाद पर अपील आई है इस्लामाबाद इस, हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन की उनके सिक्स टू वन एफ़ के तहत नाहली करार देने के हवाले से और फिर नुकता उन्होंने यही लिखा उठाया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी तरफ जो मरात वापस करने का हुक्म दिया गया ये भी हुक्म जो है कलदम करार दिया जाए और फैसल वाउडा को बतौर सेनेटर बहाल कर दिया जाए तो ये एक इशू है और दूसरा एक इशू है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि सियासतदान एक दूसरे के बारे में बहुत नाजिबा गुफ्तु करते हैं और इसी मामले के ऊपर हमने देखा कि मोहसिन बेग के खिलाफ वफाकी वजी मवास्लात मुराद सईद ने एक कंप्लेंट की उस कंप्लेंट के बाद क्या हुआ वो सब कुछ आपको पता है तो ये मामला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था मतुल्ला जहाँ से उसके बारे में भी पूछेंगे नासिर साहब आपको क्या लगता है कि ये जो फैसल वाउडा साहब की अपील आई है ये एक ऑब्जेक्शन तो बनता है ना कि मूमूा हम देखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ऑब्जेक्शन लगाता है कि वापस कर दे कि जी अभी आपके पास अपील की एक रेमेडी मौजूद है वहाँ पर जाएँ या आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग जाएगी फिक्स हो जाएगी और कौन सा बेंच आपके ख्याल में ये मुकदमा सुन सकता है क्यूम साहब पहली बात तो यह है कि मुझे वाडा साहब पर बहुत तर्स आ रहा है अच्छा वो तर्स इस तरह आ रहा है कि उनकी एक तो यूएस एस के वो सिटीजनशिप भी गई और वो डिस्कवालीफाई फॉर लाइफ हो गए जहाँ तक ये है कि पटिशन अदालतों ने कह दिया कि ये सब कुछ के खुद जिम्मेदार खुद जिम्मेदार हैं हाँ। तीसरी बात अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चेक कॉन्स्टिट्यूशन इशू है क्योंकि इस पर उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं उसमें बेसिकली यही उठाया है कि आर्टिकल टू वन एट थ्री के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स को हालांकि टू वन एट जो है ना वो इनहेरिट पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइन ने दी है उन्होंने कहा है कि उसमें ये पावर नहीं है कि आप किसी को डिसकॉलीफाई करें या आ, आ, या क्वालिफाई करें बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये एक अच्छा अच्छा खासा कानूनी एक मसला है तो मेरा जतीी ख्याल है कि सीनियर जजेस को बैठ के जितने भी आ, वन टू थ्री फोर फाइव या आ, लार्जर अगर इवन इफ के ये तीन मेंबर बेंच बने तो सीनियर मेंबर ही सुने क्योंकि ये मामला बहुत आ, क्योंकि ये, तो आप समझ रहे हैं कि बेंच वन को सुनना चाहिए बेंच तो सुनना बेंच वही है ना नहीं बेंच वन को सुनना चाहिए उसमें सीनियर जजेस होने आ, चाहिए जो कॉजे नेक्स्ट वीक की जारी हुई है उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं मंसूर अली शाह और जस्टिस ऐशा मलिक हैं लेकिन स्पेशल बेंच बन सकता है ना एक बजे आपको नहीं देख पता कि अक्सर एक बजे एक स्पेशल बेंच बनता है जिसकी कम्पोजिशन टोटली डिफरेंट होती है मेरा मेरा यह कहने का मकसद है कि सीनियर जजेस उसमें बैठे और ये कानूनी नुकते को डिसाइड करें क्योंकि ये अहम है क्योंकि ये फॉर फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा इतलाक होने लगा बिलखसूस उम्रता बंदयाल साहब की उस जजमेंट में जिसमें ताहत नाहली हाँ। केस जो है बतीला जान कितना अहम होगा ये मुकदमा जो ये यहाँ पर लेके आए हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार भी सिक्सटी टू वन एफ़ के डिसकॉलीफिकेशन के हवाले से आई हुई थी और अब उन्होंने उन पर इतराज़ लगा लेकिन अब ये एक जिसको कहते हैं ना कि इनका लोकल स्टैंड आई भी है चैलेंज भी कर रहे हैं बहुत अहम है कईम सदी की सिक्सटी टू वन एफ़ को कुछ लोग यूँ देख रहे थे कि किसी ज़माने में जनरल जया जैसे जैसे तो डिक्टेटर ने आयन की शिक अठावन दो बी के तहत असम्बली को डिसमिस हुकूमत को डिसमिस का अख्तियार वो अख्तियार ख़त्म किया तो फिर अब लोग कहते हैं ये बासठ वन एफ जो है अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस्तेमाल करके वही काम किया जा रहा है जो सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़ माजी में फ़ौजी हुक्मरान करते थे तो ये एक बड़ा ही गलत तासर है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें ना तो कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर अमीन हो सकता है और ना ही कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर अहल हो सकता है सदुक और अमीन का जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाकली व्लम की कामल जदात से ही मुनसलिक किया जा सकता है मगर एक आम इंसान जो है उसको एक केस में आप ये कह दें कि ये सादुक और अमीन है तो ये फिर उसका फ़ायदा फिर आपको पता है जिस तरीके से इमरान खान के बारे में उनके लोगों ने कहा कि उनको तो सुप्रीम कोर्ट से सादुक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया और सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं वो साकिब नसार जैसे चीफ जस्टिस सबक चीफ जस्टिस और वो जजेस जिनके ऊपर ख़ुद सादुक और अमीन होने के हवाले से बहुत से शकूक शुबात हो सकते हैं तो आने वाली मौत चीफ जस्टिस भी उम्र हाँ। था साहब भी शामिल थे और का बेंच था ना बिल्कुल तो अब असल बात यह है कि फैसल वाडा ने जो किया बाैल वाडा से मुझे जो लगता है कि वो मिस्टेक हुई है उन्होंने प्रोसेस शुरू किया मगर रिनंशिएशन सर्टिफिकेट वो जिन वकीलों को लाखों रुपए की फ़ीसें देते हैं उन वकीलों ने उनसे धोखा किया और वो रिनन्शन सर्टिफिकेट के बग़ैर ही हलफनामा जमा करा दिया सात जून को जमा करा दिया थोड़ा इंतज़ार कर लेते या अगर नहीं मिला था तो वो डिक्लेयर कर देते या स्पेशल रिक्वेस्ट कर लेते इलेक्शन कमीशन से कि वो 25 को मिल रहा है तो हमें इजाजत दे दें प्रोविजनल इजाजत दे दें दे, ना मिला तो विद्रा कर लेंगे बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में भी तीन साल तक वो इस हकीकत को छुपाते रहे बावजूद इसके आप पूछते रहे मैं किस पूछता भी रहा एक्जैक्टली पूछता भी रहा और फिर वो छुपाते रहे अब वो बरस वसीम से कहते हैं जी वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी भाई अगर मिस्टेक थी तो फिर पहले दिन ही आपको कबूल कर लेनी चाहिए थी फिर छुपाने की क्या जरूरत थी कभी आप हाईकोर्ट में डेढ़ साल जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में सहारा ढूंढते हैं कभी आप इलेक्शन कमीशन में ढूंढते हैं कभी आप हाई कोर्ट दूसरी में चले जाते हैं तो ये जो उन्होंने छुपाया है इतना तवील अर्सा ये भी उनके वकीलों ने उनको धोखा दिया उनको गलत मशवरा दिया और उनको फंसा दिया अब बासठ वन एफ के जो मामला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक दरख्वा दायर की गई उस पर एतराजात लग गए और मेरे ख्याल में कुछ दिनों में शायद उस पर भी अभी अपील हो जाएगी चैम्बर्स में और वो फिर ओपन कोर्ट में भी वो अपील आ सकती है ये बड़ा संगीन मामला है हम लोग बड़े जल्दी ही आइनी नुकात के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर यह इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये किसी की प्रॉक्सी है किसी को फ़ायदा देने के लिए है मैं समझता हूँ कि जजों को इन मामला में नहीं पढ़ना चाहिए जजों को अगर कोई आइनी सवाल बनता है तो चाहे वो किसी को नुकसान देता है या फ़ायदा उनको उसका जवाब देना चाहिए नहीं वो वो तो है लेकिन ये है कि सिक्सटी टू वन एफ का इशू एक मरतबा फिर

फिर तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर अकामा वाले मामले में आयनी अदालत जो है किसी को डिक्लेयर कर सकती है कि ये ना अहल है तो फिर तो हाई कोर्ट भी एक आइनी अदालत है और हाईकोर्ट ने यही कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो पांच रुकनी बेंच का जो एफिडेविट तैयार करता था और उस एकामात के मुताबिक इसको डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि वो पांच सूकनी बेचने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसने झूठा अलफनामा दिया तो उसके संगीन नतीजे होंगे वो नतीज के जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने और इसमें दोनो, दोनों दोनों फोरम जो है वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक अहम नुक्ता इसमें है देखें जब उन्होंने ज, र, र, रिटर्निंग ऑफिसर को द, आपके पास गए थे तो उन्होंने अपना कैंसल्ड पासपोर्ट भी दिखाया था और जो नाइकॉप उन्होंने वापस सरेंडर किया था वो भी दिखाया था और ये भी बताया था कि मैं बाय बर्थ अमेरिकन सिटीज़न हूँ मैंने एक्वायर नहीं की लेकिन जो सिटीजनशिप जो एक्ट है ना उसमें लिकार उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ये बताना है आपने वो सर्टिफिकेट देना है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने तो बड़ा साहब मुझे कंप्लीट बोलने देना मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाई, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना उसको भी तो पढ़ लें उस पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ये तहकीक करे कि इन्होंने झूठ बोला है या नहीं जब पहले भेजा था हाई कोर्ट ने बाद जब दूसरी दफा भेजा था तब भी यही का है उस है उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया सिर्फ कहात का नहीं है कयूम साहब सिर्फ का मामला नहीं है इसमें झूठा है हल्फिया बयान का भी है दोहरी शहरीत तो सिक्सटी वन थ्री सी के तहत नायल हो सकता है अब मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था ना नासिर वो ये था कि फॉरेन फंडिंग या फंडिंग का केस भी इलेक्शन कमीशन के अंदर है टू वन एट थ्री की इंटरप्रटेशन जो है वो और ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगी क्योंकि अभी वो मामला वहाँ पर है और वहाँ पर भी मामला और तान वहीं जाके टूटेगी जो कि एक हल्फिया सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है तो मैं उस तनाजुर में आप क्या देखते हैं इसको? देखें ये जो है ना ये डिसक्वालिफिकेशन की बात है टू वन एट में वो ये कह रहे हैं कि डिस्कालीफाई करने का हक नहीं है लेकिन इनहेरिट पावर टू वन एट में इलेक्शन कमीशन को है ना तो क्वेश्चन टू वन एट थ्री की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार है उनके पास उसी का ही तो मामला है और लेकिन, क्या मसला है? लेकिन ये जो आप जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये इलेक्शन हाँ। से मैटर नहीं रिलेटेड करती ना ये तो एक फंडिंग का केस है पॉलिटिकल पार्टीज़ है इलेक्शन के, के उसको पास इनहेरिट है की आप निशान अलॉट करता प्रोग है की टू वन एट वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास वन एट फोर थ्री है सुप्रीम कोर्ट भी आईनी ادارה है इलेक्शन कमीशन भी आईनी ادارה है और अगर सुप्रीम कोर्ट 1843 में किसी को नायल करार दे सकती है एक इलेक्टेड मेरा ख्याल है कि ये, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो डिटरमिन होना तो, है ना बिल्कुल और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन एक आईनी ادارה है और उसके पास यकीनन ओरिजिनल अख्तियारा हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे जब आपके पास अख्तियार ही नहीं exactly. होगा, किसी को पनिश कर नहीं, लेकिन ये सवाल तो है ना नाजिर आप क्या वो, समझते हैं कि वो भी एक अलार्म बेल्स नहीं बज रही है कहीं देखे वो बहुत अहम केस है और वो इलेक्शन कमीशन को अगर आप समझते हैं कि अख्तियार नहीं है तो आपकी गलत फहमी है वो उसमें बिल्कुल इनहेरट पावर है इलेक्शन कमीशन उसको देख सकता है और उसके बाद हाँ वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये इसको ख़त्म कर दिया जाए वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है वो भी जब फेडरल गवर्नमेंट को जब चलें पोलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो है नासिर साहब वो फंड्स जो है वो कॉन्फिस्केट करता है ठीक है हाँ। कॉन्फिस्केट करता है तो इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब है कि आपने जो आ, डेकलरेशन दिया वो गलत है वो गलत है तो फिर उसके अपनी कॉन्सिक्वेंस हैं वन एफ में आते हैं ना, अगर इमरान खान ने हर साल अपनी पार्टी के हवाले से एक सर्टिफिकेट दिया कि जनाब मेरे पार्टी के अकाउंट्स हैं तमाम वो कानून के मुताबिक हैं और वो अगर सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो दिस इज़ अ फॉल्स एफिडेविट दिस इज़ लाइक लेकिन वो जो साकिब निसार साहब की जजमेंट है कि हर एफिडेविट जो है उसके कॉन्क्वेंसेज इस तरह के नहीं हो सकते जैसा कि क्योंकि ये भी उन्हीं के बेंच की जजमेंट है जो इम्प्लीमेंट हो रही है साकिब निसार साहब के नजदीक तो कोई झूठ छोटा होता है कोई झूठ बड़ा होता है साकिब निसार साहब की क्या बात है साकिब निसार साहब तो सच और झूठ की अगर जरूरत पड़े तो उसकी बहुत सी कैटेगरीज में निकाल लेंगे और उसके लिए केस लॉस भी बहुत से ढूंढ के ले आएंगे कयूम साहब आपको याद होगा कि साकििब निसार साहब ने पूरा एक नॉमिनेशन फॉर्म बना दिया था ये काम है सुप्रीम कोर्ट का और उस पर यही कहा था कि उसमें आप देखें ना कि वो इलेक्शन कमीशन का जो था वो क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी और वो पार्लियामेंट ने खत्म कर दी थी बहुत सारी चीजें फिर उनको वापस डाल और फिर इसका हिस्सा वो सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट का काम फिर भी नहीं है ये ये पार्लियामेंट का काम है ठीक थी। है थी। और उस पे, आज उस पे आज, उस आज फिर उसी का निशाना बने ना बिल्कुल उसपे उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर आपने दो दो सौ मतलब दो हजार अठारह के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने नॉमिनेशन में झूठ बोला तो इसके वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट से आपने झूठ बोलने के आवामी को झूठ बोलना चाहिए अलाउ करना चाहिए बिल्कुल नहीं नहीं तो के पीछे पड़ गया। नहीं, मैं देखें, जो चीज़ गलत है गलत है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन अगर पार्लियामेंट ने वो चीजें निकाल दी तो आपने क्यों डाल आपका काम नहीं है ये पार्लियामेंट का काम है बिल्कुल ठीक बात है आपकी अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी तरफ नासिर एक हमारे मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस छड़ी हुई है ना सेबा कलमात एक पार्टी दूसरी को कह रही है दूसरी दूसरी तीसरी को कह रही है पी टी आई नून लीग के नून लीग पी टी आई के ऊपर और दोनों हर तरफ़ से यही कुछ हो रहा और फिर उसमें मुझे जो है की बात लगी है मतील जान वो ये है कि हम हमारा मीडिया जो है वो बैठ के इन दोनों को कह रहा है कि यार तुम लोग तुमने भी गलत किया तुमने भी गलत किया अब यहाँ पे मीडिया की क्या जिम्मेदारी भी आती है मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एथिकल बनते हैं तो जब वो क्या हमें ऐसे गैर नाज़ेबा सेबा जुमले चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए या आप समझते हैं कि हाँ यार ये आ, उसका है अब देखें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है मौसन बेग वफाकी शिकायत रियाती इदारों का इस्तेमाल गाल गोलियाँ चलें तशद ये सारी सूरत किस तरफ जाएगी देखें क्यूम बतौर कौम हम हमेशा नाकाम होते हैं और बतौर तजयकार और बतौर साहफी भी हम जो है एक नाज़ेबा अल्फ के जुर्म को किसी शख्स के घर में चादर और चार दवारी की पामाली करते हुए घुसना उसको गिरफ़्तार करना थाने के अंदर उस पर तशद करना उससे अलग करके हमें देखना चाहिए और ख़बर वो है कि जो बड़ी है और बड़ी ख़बर यही थी बड़ी ख़बर ये बिल्कुल नहीं थी कि किसी ने किसी वीडियो प्रोग्राम में कोई नाज़ेबा कलमार के बड़ी ख़बर ये थी कि आपकी सरकार की पुलिस जो है वो बगैर वारंट के बग़ैर यूनिफाम के एक घर में घुसी है एक शहरी पे तशद्द किया है उसके अलह खाना को ज़दुकोप किया है उसके बेटे को भी लेके गए उस शहरी ने चाहे उसको मालूम था या नहीं उस शहरी ने अपने सेल्फ डिफेंस में पिस्तौल भी निकाला और बाहर भी निकला अब वो उसका अलग और से जो चीज भी है मगर जो कुछ उसके साथ हुआ हमें सबसे पहले तो घर 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 फिर सर्च सर्च किस चीज की exactly. अगर उसने एक तो तो, के तहत क्राइम किया था तो ये तो, तो घर में तलाशी क्यों ये तो बहुत आसान काम है अब मीडिया के टाइकून के घर में उसके मोबाइल और लैपटॉप ले गए कल वो सहाफ़ियों पे इसी तरह कंप्लेंट करवा के उसे गिरफ्तार करके उसके मोबाइल ले लेंगे और सहाफ़ियों की तो सारी जमा पूंजी उसके जराए होते हैं सोर्स होते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में वो यूज़ करता है बिल्कुल तो वो अगर आपसे पहले ही छीन लिए जाएंगे तो फिर आपकी सहाफत तो गई फिर लोग साफियों पे एतबार नहीं करेंगे कि भाई इनके मोबाइल तो किसी वक्त भी एफ आई ए छीन के ले जा सकती है और जब साफियों पे कोई एतबार नहीं करेगा तो मुशरे की आँख और कान बंद होगी मुआरे में आँख और कान बंद होगी तो जुल्म बढ़ेगा ना इंसाफ़ी बढ़ेगी और अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा तो सहाफ़ियों और आज़ादी राय का थोड़ा सा हमें एहतियात करना होगा उनसे हैंडल करने के लिए क्योंकि आर्टिकल नाइनटीन जो आइन का है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को और फ्री स्पीच को खसूसी तौर पर तहफ़ देता है मेरे ख्याल में जो भी नाज़ेबा ज़ुबान की आप बात करें कर रहे हैं वो ठीक है उसकी मजम्मत होनी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह के इशारे नहीं होने चाहिए मगर जो कुछ बाद में हुआ वो बहुत बड़ा वाक़ है और वह बराह रास्त वज़ी अजम इमरान ख़ान की बर्दाश्त की सतह के ऊपर उसका सवालिया निशान बनता है और हुक्मरान जमात के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है और ये तो वो जमात है जिसके वैसे भी रेपूटेशन अच्छी नहीं है पार्लिमेंट जमूरियत आइन और फ्री स्पीच के हवाले से तो मेरे ख्याल में इसमें हमें थोड़ा सा तफरीक करनी होगी और साफियों को तो क्या मीडिया कलमात को को जो एक दूसरे के बारे में पॉलिटिशियन कहते हैं दिखाने चाहिए मेरे ख्याल में नहीं दिखाने चाहिए मगर इसके ऊपर बहस मुआरे में होनी चाहिए ना इसके ऊपर आप एफ़ आई आरें कटवा के, के लोगों को हथ तो उसको थाने में नहीं कर सकते एग्जैक्टली नासिर साहब आप बताएं कि क्या किस तरफ जा रहे हैं मतलब आपको जो आज़ादियाँ हैं जो सहाफती आज़ादी है या जर्नलिस्टों की अब ये देखें ना कि जर्नलिस्टों को ज़ाहिर है कि उन उनका मोहसिन बेग का एक अपना मौकफ़ है कि एक ऐसी लोग आए जो नहीं रेकनाइज़ होते थे कि वो पुलिस वाले हैं एफ आई ए वाले हैं कौन हैं डाकू हैं उन्होंने सेल्फ डिफेंस के अंदर अपना दिफा किया है लेकिन वो जो इमेज मोहसिन बेग का है जिसमें वो पॉइंट कर रहे हैं गन और उसको दिखा के एक्सप्लाइड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक साफ़ ही कर रहा है इस सारी चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं कि पूरी सहाफ़ी बरदरी को एक इस एनक से सारे देखेंगे और कहेंगे लो जी सहाफ़ी तो होते ही इसमें बदमाश हैं देखिए पहली बात है कि जो है ना पीका और जो मर्जी कह लें आइन उससे बड़ा है नंबर एक ये जहन में रखें पीका सब छोटा सब लेजिस्लेशन है जो कानून आइन है ना वो आप आर्टिकल नाइन भी देता है कि जो आपको आ, और आर्टिकल टेन भी देता है नहीं नाइनटीन तो प्रेस से है ना मैं आम एक शहरी की बात करूँ कि right हाँ राइट टू लाइफ है और लिबर्टी है और और उसमें दूसरा है आर्टिकल टेन वो ये कहता है कि आप किसी शख्स को उससे उसको इन्फॉर्म के बगैर नहीं गिरफ्तार कर सकते और वो आपको घर और घर की चार चारदीवारी की भी कई तहफ़ देता है प्रावसी, ठीक प्राइवेसी भी, भी देता है ट्रेस पासिंग से आप नहीं कर सकते विदाउट बॉर्न आप कैसे जा सकते हैं मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही आप जरूर अरेस्ट करें आपके ऊपर एलिगेशन है बॉरंट लेके जाएं एफआईआर बुला लेती कॉल अप नोटिस हाँ। करते हैं जैसे बुलाते हैं कि जनाब आ जाएं आपकी पेशी है आपके ये इल्जाम है तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं रखें कि उन्होंने कत्ल नहीं किया हुआ तो वो हीनियस क्राइम के ज़ुम्रे में नहीं आ रहे ठीक है उन्होंने अगर कोई गलत बात की है तो उसके तरीके हैं आप उनको बुलाएं उनको अगर वो नहीं आते फिर आप वारंट लेके जाएं घर पे छापा मारें तो नाजिर साहब ये क्या है हुकूमत की पॉलिसी है मतलब अगर फैजाबाद धरना की जजमेंट आती है तो काजी ईस्सी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाता है मोहसिन बेग के हवाले से अगर सेशन जज डेटिन्यू की रिक्वेस्ट के ऊपर पर्चा दर्ज करने का हुक्म देता है कि इलीगल रेड है और जिन्होंने की है जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ पर्चा जाए तो फिर एडवोकेट जनरल इस्लामा जो है वो बजिया से मिलने के बाद कहता है कि हम इस जज के खिलाफ कार्रवाई ये, ये क्या है वो जो कहते हैं ना जो मुक्का वक्त पे याद ना है बाद में अपने मुँह पे मार लेना चाहिए तो हमारे जो सरकार के वकला हैं जो एडवोकेट जनरल इस्लाम हैं बारह उनकी भी कोताही हुई है उन्होंने बर वक्त जो है इस मामले के ऊपर अपने सरकारी वकला के जरिए हुकूमत का ठोस मौक़ पेश नहीं किया अब बजाय अपनी कोताही मानने के वो वजी अजम साहब को ये कहानियाँ डाली जा रही हैं कि जनाब ये जज ने बड़ी ज़्याद्ती की है तो भाई अगर जज ने ज़्याद्ती की है तो फिर आप सिर्फ कम्प्लेंट फाइल करें ना अब तो वह कह रहे हैं कि हम अपील भी फाइल करेंगे इस फैसले के खिलाफ जब आप अपील करें या कम्प्लेंट करें इसका मतलब आप खुद कन्फ्यूज़ हैं तो अपील करेंगे तो बात है मैरिट के ऊपर वो उसका ऑर्डर सेटिसफाइड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता लेकिन ये कहना कि हम कंप्लेट फाइल करेंगे ये तो आप पूरी अदलिया को और तमाम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को आप एक बहुत ही गलत पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत जो है अपने खिलाफ किए कि गए फैसलों को पसंद नहीं करती और जो जज भी उनके खिलाफ फैसला देगा चाहे वो द्रोस्त है या गलत यह अलग बात है लेकिन ये पैगाम बड़ा गलत चाह रहा है डिस्ट्रिक्ट पे देखें काजी ईसा के खिलाफ आपने रेफरेंस दिया उन्होंने धरना जजमेंट दी थी और बड़ा अच्छा शाहेब खान ज्यादा भी कल बता रहे थे उसकी तफ्ल के, के खिलाफ ऊपर तो कॉन्फ्रेंस की थी आपके बरसफर साहब ने क्या कुछ नहीं कहा बिल्कुल यही बात है तो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत पैगाम जा रहा है और हमारे वजीर की जो ऑप्टिक्स हैं और जो उनके ऑप्टिकल एल्यूजन है ना आ, उनकी वजह से पूरी मैं समझता हूँ कौम जो है वो सफ़र कर रही है और अदलिया के हवाले से उनका जो रिस्पांस और रिएक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर फ़रो नसीम जो वजी कारून हैं उनके माशाल्लाह से जो मशवरे हैं उनकी वजह से और बैरिस्टर खालिद जावेद जो अटर्नी जनरल हैं मैं थोड़ा सा अभी उन पर भी हैरान हूँ कि अमल का कैसे हिस्सा हैं जिसमें जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट जो है दाखिल करने के लिए राजी हो गए नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि उनसे कोई बात की होगी इस हवाले से सुना आ, है कि वो भी मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में और हुई है इस से। चले लेकिन सो वो उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका एक हाँ। है। हाँ। लेकिन कौन लेकिन, है ये जो बर्दाश्त की जो पॉलिसी दी जा रही ना इस हुकूमत की तरफ से ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ये एक फेडरल गवर्नमेंट है और मुझे नहीं समझ आ रही फेडरल गवर्नमेंट माँ होती है वो तमाम जो सिटीज़न हैं चाहे वो सिंध में रहते हों चाहे के पी में रहते हों चाहे बलूस्तान में रहते हों खा आप तो, खा आप जो है वो मीडिया के ऊपर एक दूसरे अखलाक बाखता किस्म के इल्जाम लगाते रहें देखें मीडिया के ऊपर तो आ, आ, उसका तरीका है ना उसका एक प्रॉपर तरीका है वो तो प्रॉपर वो वही तो कहते हैं मैंने तो शिकायत की थी आगे किसी ने गलत किया तो मैं क्या करूं इसमें नहीं तो जिन्होंने गलत किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से कर तो नहीं किया होगा कोई प्रेशर होगा ना बहरहाल जी आ, फैसल बाउडा का मुकदमा आइंदा आने वाले दिनों में कौन सा बेंच सुनता है और उसमें क्या क्या अहम चीज़ें और जो है वो अदालत पूछती है और इस मुकदमे का फेट क्या होगा फैसल बाउडा अहल होंगे या फिर उसी तरह से होगा कि एक स्टे ऑर्डर आ जाएगा और जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी ढाई तीन साल से एक स्टे ऑर्डर के ऊपर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चल रहे हैं उस तरह से ही फैसल वाउडा सिर्फ़ एक स्टे ऑर्डर के ऊपर अपनी बाकी सेनेट की ज़िंदगी जो है वो बसर कर देंगे या अदालत जो है वो इन आइनी नुकात का आ, फैसला जो है वो बर वक्त करती है या नहीं करती है शराब सूस अब्दुल्कलीम सदीकी को एक यू एस लाइव से इजाज़त दीजिए बाद